आयोग ने जारी की लिस्ट, बिहार में सबसे ज्यादा 52% लोग गरीब, झारखंड दूसरे और यूपी तीसरे नंबर पर। कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ सरकार को घेरने की बनाई रणनीति, दिल्ली में 12 दिसंबर को महंगाई हटाओ रैली। 6 दिसंबर को भारत दौरे पर आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। किसान आंदोलन पर केजरीवाल ने मोदी सरकार को घेरा, कहा केंद्र को लगता था किसान चीरेंगे, चिल्लाएंगे और चले जाएंगे। परिवारवाद पर पीएम मोदी का हमला, कहा खुद लोकतांत्रिक कैरेक्टर खोने वाले दल लोकतंत्र की रक्षा कैसे करेंगे। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। सहारनपुर में एंटी करप्शन की टीम ने एक लेखपाल को 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन की टीम लेखपाल को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। एंटी करप्शन के एक अधिकारी बाबर जादी ने जानकारी देते हुए कहा कि गांव रजौली किसान भोपाल सिंह ने शिकायत की थी और दाखिल खारिज करने के लिए उनके गांव का लेखपाल उन्हें पिछले 3 महीनों से परेशान कर रहा था और काम करने के लिए 10,000 रुपए की डिमांड कर रहा था। किसान की शिकायत पर एंटी करप्शन की टीम ने एक्शन लेते हुए रिश्वतखोर लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया। वहीं सोनभद्र के विड़ंबनगंज थाना क्षेत्र में शिवम इंटरमीडिएट कॉलेज माहौली में आज यातायात नियमों के बारे में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। थाना अध्यक्ष सूर्यभान के नेतृत्व में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मौके पर विद्यालय के छात्र छात्राओं को यातायात सुरक्षा के बारे में जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान समय में सभी लोग भागदौड़ की जिंदगी जी रहे हैं। इस भागदौड़ में अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम है। वहीं निबंध प्रतियोगिता में 57 छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में अमरगढ़ शहीद स्थल पर 3 दिवसीय अमरगढ़ महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने किया। इस मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष गोविंद माधव, सीडीओ पुलकित गर्ग, एसडीएम प्रमोद कुमार, सीओ अजय श्रीवास्तव समेत भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे। विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि हमारे पूर्वजों की तरफ से देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए पूरे देश में यहीं से चिंगारी जलाई गई थी। इस पवित्र शहीद स्थल के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने भी मंजूरी दे दी है और जल्द ही यहाँ पर शहीदों का स्मारक बनाया जाएगा। धन्यवाद देते हैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि जब डुमरियागंज आए थे तो उन्होंने इस स्थल के विकास की घोषणा भी किया है, जिसका कार्य भी चल रहा है और हम 26 तारीख को उनकी याद में, उनके सम्मान में उनको श्रद्धांजलि करके, आज आपने देखा है हिंदू मुस्लिम सिख और अपने बौद्ध धर्मों के द्वारा प्रार्थना की गई है, यज्ञ अनुष्ठान किए गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए। हम लोगों को अपने आप में अच्छा लग रहा है कि हमें यह अवसर आज सौभाग्यशाली है कि मिला। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार एक जो यहाँ पर विशेष पहल जो है माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में की गई है, अमरगढ़ महोत्सव का पहली बार आयोजन किया जा रहा है और अमरगढ़ जो यहाँ शहीद स्थल है वो पहली बार जो है वो लोगों का संज्ञान में इस स्तर पर आया है, तो मैं कहूँगा कि ये बहुत ही प्रशंसनीय ये पहल है यहाँ पर। और इसके विकास के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे तो उनके द्वारा भी घोषणा की गई थी कि यहाँ पर शहीद स्थल जो है वो शहीद स्मारक स्थल बनाया जाएगा। इसको उसके संबंध में जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो पूरा तैयार हो गया है, आने वाले बहुत ही जल्द उस प्रोजेक्ट प्रपोजल को जो है वो शासन में भेज कर उसको स्वीकृति की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण कराया जाएगा।
वहीं संभल में आप पार्टी के 9 साल पूरे होने पर स्थापना दिवस मनाया गया। पार्टी के इस अवसर पर आप पार्टी के जिलाध्यक्ष काशिफ खान ने मिठाई खिलाकर खुशी को जाहिर किया। साथ ही बोलते हुए 9 साल में पार्टी की उपलब्धियों को भी गिनाया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन की आवश्यकता इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अलग अलग चुनाव लड़ा जाता है, तब वोटरों का बंटवारा ही होगा और इससे बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। यूपी में आम आदमी पार्टी का जनाधार काफी बढ़ रहा है। एसपी के साथ गठबंधन होता है तो जनता के हित में ही काम किया जाएगा। वहीं सिद्धार्थनगर के बांसी तहसील के प्रांगण में भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष यार मोहम्मद चौधरी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। प्रशासन की अनदेखी की वजह से किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष यार मोहम्मद चौधरी ने बताया कि हम लोग 8 नवंबर से ही धरने पर बैठे हुए हैं। हम लोग दिन रात यही तहसील परिसर में रहते हैं। हमारी मांगों को प्रशासन के लोग अनदेखा कर रहे हैं। हमारी समस्या को लेकर 12 बिंदुओं पर ये धरना दिया जा रहा है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक इसी प्रकार से ये प्रदर्शन जारी रहेगा। समस्याएं जो है, एक बात बता दें आपको कि मेरी जमीन ले ली गई है नाले में, उसके मुआवजे का मामला है, जो ड्रेनेज मामला है ड्रेनेज खंड का, वो तहसीलदार साहब जाके खुदवाए थे और उसका अब तक मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं किया गया, ना कोई फाइल बनाई गई, ना कोई मुआवजा मिला। आपको बता दें कि बढ़ार घाट 15 बीघा कम से कम होगा रिक्त जमीन पट्टे, क्या नाम है, बंजर, जबकि उसमें 27 पट्टेदार हैं और पट्टेदारों को 10 को तो बाउंड्री मार दिया गया वो बनाने के लिए टंकी, और बाकी जो जमीन पट्टेदारों की है उसी को ये अवरुद्ध करना चाहते हैं, कब्जेदारी से हटाना चाहते हैं, और जो फर्जी कब्जा करके बैठे हैं उनको नहीं हटा रहे हैं। इसमें कोई षड्यंत्र है कि मैं चाहता हूं कि जो भी सरकारी जमीन है उसको पूर्ण रूप से खाली करवाई जाए और जो पट्टेदार हैं उनको पट्टा दिलाया जाए। समस्या वही मैनपुरी में पुलिस को उस वक्त सफलता हाथ लगी है जहां पर उन्होंने 6 अंतरजनपदीय चोर गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। अंतरजनपदीय चोरों के पास से कार, दो तमंचे, नकदी और सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं। पुलिस अब इन शातिर गैंग के लोगों पर कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। पुलिस के मुताबिक अभी आरोपियों ने ग्राम नगला प्रेमी निवासी मनोज कुमार के घर से चोरी की थी और चोरी के आभूषणों को भी फिलहाल हमने बरामद कर लिया है। चोरी हुई थी और इस चोरी को एक टास्क देकर इंस्पेक्टर करहल और सर्विलांस टीम को दिया गया था। इसमें कुछ सफलता किसनी में मिली थी, किसनी में दो चोर चोरी करते हुए पकड़े गए थे और उनके द्वारा ये बताया गया था कि उनके दो और साथी हैं जो चोरी कर रहे हैं। इस टीम को लीड सर्विलांस टीम के प्रभारी कर रहे थे। इन्होंने अपनी टेक्निक से, टैक्टिस से इस पूरे घटनाक्रम को खुलासा किया और पूरी टीम को जो है, जो चोर थे उनको पकड़ा। इसमें जो सुनार चोरी के बाद माल खरीदते थे उनको भी पकड़ा। वहीं फतेहपुर जनपद के औंग थाना क्षेत्र में शराब पीकर बाइक चलाने के साथ साथ स्टंट करना युवक को भारी पड़ गया। शराब पीकर बाइक चला रहे बाइक सवार डिवाइडर से जा टकराया जिससे शराबी बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को लेकर स्थानीय लोगों ने तत्काल उसके परिजनों को सूचना दी। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। खबर औरैया से है जहां पर 4 साल से रिलेशनशिप में रहे लड़का लड़की की कोतवाली में शादी कराई गई है। कोतवाली में शादी होने के बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। मामले की जानकारी दी गई कि 4 साल रिलेशन में रहने के बाद और नौकरी करने के बाद युवक ने घर वालों ने उसके शादी करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन बाद में घर वालों के हंगामा करने पर युवक पुलिस के पास मदद करने के लिए पहुंच गया और कोतवाली से पुलिस दोनों प्रेमी जोड़े की मदद करने के लिए पहुंची। पुलिस ने प्रेमी जोड़े की मदद करते हुए थाने में ही दोनों की शादी करवाई।
मतलब हम लोगों को रिलेशनशिप के 4 साल हुए थे। किसके साथ? वेद प्रकार के साथ में। कहाँ रहता था ये? वो सबदलपुर में रहता था, मेरापुर के पास में। क्या हुआ? और हम लोग बात करते रहे और उसने शादी का मतलब झांसा दिया कि हम शादी करेंगे, और तभी हमने अपने घर वालों से बोल दिया कि हम भी उससे शादी करेंगे, और लड़का भी नहीं दूसरी जगह देखा गया, और फिर 4 साल तक हो गए हम लोग का रिलेशनशिप और वैसे ही। तो फिर इसके बाद में उसने मतलब बोला कि दूसरी जगह शादी फिक्स कर ली, और फिर मुझसे कहने लगा कि मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे। प्रियंका लड़की थी, उसका एक अफेयर चल रहा था वेद प्रकाश नाम के लड़के से। वेद प्रकाश नाम का लड़का जो है कहीं सर्विस लग गई है एयरफोर्स में, तो उसकी शादी उनके घर वालों ने कहीं और तय करा दी थी। तो इन बात को लेके थोड़ा सा लड़के ने मना किया कि हमारी शादी कहीं और हो गई है संबंध, तो लड़की यहाँ ही मिलने के लिए बुलाया। यहाँ पे विवाद उत्पन्न हो गया, तो विवाद उत्पन्न के बाद फिर मामला थाने तक पहुँच गया। थाने में जब जो पहुँचा है तो दोनों पक्षों में, अभय पक्षों के रिश्तेदार चंद भले लोगों के बीच में समझौता हो गया। समझौता के बाद फिर वहाँ शादी करा दी गई। शादी के बाद ये लोग न्यायालय आए कि जब हमारा इकरारनामा करा दो अनबन पत्र, तो हमने अनबन पत्र बनवा के इन्हें रुखसत किया। फतेहपुर में औंग थाना क्षेत्र में मनचलों पर शिकंजा कसने के लिए एंटी रोमियो की टीम की कार्यवाही जारी है। पूरे जिले में अलग अलग स्थानों में एंटी रोमियो की टीम ने शहदों के खिलाफ अभियान चलाया। राह में महिलाओं युवतियों से फफ्तियां कसकर अश्लीलता कर रहे 3 शहदों को गिरफ्तार किया गया। तीनों पर केस दर्ज कर पुलिस ने जेल भेजने की कार्यवाही की। कई लोगों को चेतावनी देकर भी छोड़ा गया है। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह के आदेश पर जिले में एंटी रोमियो की टीम लगातार कार्यवाही कर रही है। वही रायबरेली के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र में नवनिर्मित दीवार गिर गई। दीवार गिरने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। नवनिर्मित दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं व्यक्ति की मौत के बाद से परिजनों में हड़कंप मच गया। इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही ताज नगरी आगरा में पटरी पर दौड़ती ट्रेन में अचानक आग लग गई। ट्रेन की ज्यादातर कोच आग की भेंट चढ़ गए। बताया जा रहा है कि दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के 2 AC कोचों में आग लग गई, और धौलपुर मुरैना के बीच ट्रेन और ज्यादा भयानक रूप में उसके आग जो थी विकराल रूप लेती चली गई। आग लगने की वजह से अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया। हालांकि पूरी जानकारी को लेकर कहा गया है कि किसी भी यात्री को इस पूरी घटना में नुकसान नहीं पहुंचा है, सभी लोग सुरक्षित हैं। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।